गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। नए यूपी में माफियाओं को संरक्षण नहीं केवल मान मर्दन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मलनी विधानसभा के उपचुनाव की वर्चुअल बैठक कर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, विकास के आगे भोतरे हो चुके हैं विपक्ष, जातीयता सांप्रदायिकता के हथियार। कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए मंडलायुक्त ने कमिश्नरी के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाया मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने की शपथ। कहा, कोरोना संक्रमण की रोकथाम में दें अपना सहयोग, जिससे रोका जा सके संक्रमण का फैलाव। चलती कार बनी आग का गोला, बाल बाल बचे कार सवार 5 लोग। राजघाट पुल पर हुई घटना, कार में सवार थे 2 पुरुष 1 महिला और 2 बच्चे, बिहार के रहने वाले थे सभी, कोई जनहानि नहीं। मंडलायुक्त ने बैठक कर जिले में प्रतिदिन कम से कम कोविड 19 के 6000 सैंपलिंग करने के दिए निर्देश। कहा, प्रति पॉजिटिव व्यक्ति कांटेक्ट ट्रेसिंग करे कम से कम 20। जिला चिकित्सालय में तत्काल बनाए 24 घंटे चलने वाला एक सैंपलिंग सेंटर। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्राम पंचायतों की परफॉर्मेंस ग्रांट संबंधित बैठक। डीपीआर बनाकर शासन को प्रेषित करने के दिए निर्देश। 18 अक्टूबर और 1 नवंबर को न्यायालय परिसर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जानकारी देते हुए कहा, अपराध परिवार सहित इंश्योरेंस से संबंधित वादों का किया जाएगा निस्तारण। पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ व पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर पुष्पांजलि देवी ने जीआरपी थाना देवरिया का किया औचक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई NH-29 के कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक। कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ सकुशल संपन्न। देर शाम घोषित हुए परिणाम में भानु प्रताप पांडे बने अध्यक्ष तो अनुराग दुबे चुने गए मंत्री। शेष बचे पदाधिकारियों का परिणाम 10 अक्टूबर को होगा घोषित। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 184 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 1 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,989। अब तक 278 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 1623। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और अवैध कच्ची शराब बनाने वाले के ऊपर आबकारी विभाग ने की छापेमारी। 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 4 क्विंटल लहन को किया नष्ट, तोड़ी 6 भट्टियां। आबकारी निरीक्षक ने कहा, 5 लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर की गई कार्रवाई।